हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेनिथ स्टील एंड पाइप के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे क्योंकि स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है आपको, ऑलमोस्ट 10 times का रिटर्न बना के दिया है विद इन 2 to 3 months। और अब जो है स्टॉक में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया है, तो हम लोगों का आगे का क्या प्लान होना चाहिए इन डिटेल में हम लोग यहाँ पे आपको डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब अगर हम लोग यहाँ पे जेनिथ स्टील और पाइप के ऊपर बात करें तो आज जो है स्टॉक में वापस से लोअर सर्किट लगा हुआ है। लास्ट सेशन फ्राइडे के सेशन में भी जो है आपको प्रीवियस वीक में यहाँ पे लोअर सर्किट लगा हुआ था, लेकिन उससे पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यूसली एक अच्छा अप ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल रहा था। कंटिन्यू स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा था और सभी के सभी इस स्टॉक में बुलिश थे, कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे थे और यहाँ पे जो है वापस से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया है। अगर यहाँ पे हम लोग 1 month में देखेंगे तो 1 month में स्टॉक ने 100% का गेन यहाँ पे दिया है, तो बहुत ही जबरदस्त गेन दिया है। और अगर यहाँ पे हम लोग 1 year की बात करेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पे 1000% का रिटर्न दिया है, अभी भी करेंटली 995% का रिटर्न दिया है और एक टाइम में ये आपको 1000% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका था। तो बहुत ही मैसिव रिटर्न इस स्टॉक ने यहाँ पे आपको बना के दिया है। अगर हम लोग मार्च 2022 से बात करेंगे तो मार्च 2022 से ही आपको ये स्टॉक ने मोर देन 1000% का रिटर्न बना के दिया है। तो एक बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ इस स्टॉक में ऑलरेडी हम लोगों को देखने को मिल चुका है, ऑलरेडी बहुत से लोगों का यहाँ पे आपको एक अच्छा पैसा बना है। तो अब जो है यहाँ पे लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया है और बहुत से लोग जो आपको ऊपर के लेवल पे बुकिंग नहीं किए हैं इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग, वो सभी लोग जो है अब धीरे धीरे पैनिक में बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं स्टॉक में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे चार्ट के ऊपर तो क्लियरली हम लोगों को यहाँ पे आपको दिख रहा है जो एक मल्टी ईयर का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। अगर इस लेवल को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली जो है हम लोगों को यहाँ पे 1.50 rupees के अराउंड दिख रहा है जो एक मल्टी ईयर यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हुआ था। कंटिन्यूसली इस लेवल पे स्टॉक जो है आपको ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड कर रहा था, फाइनली यहाँ पे जो है आपको मार्च के एंड में इस लेवल के ऊपर जो है स्टॉक ने ट्रेड करना स्टार्ट किया। और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस 3 month में स्टॉक ने एक ड्रीम रैली दिया है, यहाँ पे जो है आपको 1.50 rupees से स्टॉक ने 12.50 rupees के ऊपर का हाई लगाया है। करेंटली स्टॉक जो है यहाँ पे 10.95 rupees पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे लोअर सर्किट लगा हुआ है। अब जिन लोगों ने भी आपको यहाँ पे बाई किया है, 2.50 rupees पे बाई किया, 3 rupees पे बाई किया, 4 rupees पे बाई किया, उनको एक बहुत ही मैसिव रिटर्न जो है आपको 2 से 3 महीने में दिख रहा है। और बहुत से लोग यही गलती करते हैं, बहुत से रिटेलर्स ने भी इस स्टॉक को बाई किया था लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, इतने ऊपर आने के बाद भी जो है उन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, अगर आपको स्टॉक पेनी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, आपका 2 to 3 times से भी ज़्यादा अगर हो रहा है तो एटलीस्ट अपने कैपिटल को पहले प्रोटेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट के ऊपर राइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे स्टॉक जो है आपको ग्रीन में जाता है, यहाँ पे लोगों को लगता है जो और ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर की साइड ही जाते रहेगा। यहाँ पे अगर इस रैली को हम लोग देखेंगे तो 3 month के अंदर स्टॉक ने 1000% का रिटर्न दिया। अब इतना मैसिव रैली अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 rupees, 3 rupees, 4 rupees भी अगर पे भी अगर आपने एंटर किया है तो आपको यहाँ पे 3 times रिटर्न मिल रहा है। तो एटलीस्ट अगर आप यहाँ पे 40% भी अपने पोजिशन को कवर कर लेते हैं तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट भी वापस आ जाएगा और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो एटलीस्ट अगर यहाँ पे लोअर सर्किट लगना स्टार्ट होगा तो आप यहाँ पे पैनिक नहीं करेंगे। और यही वजह है जो आपको इस स्टॉक में जब लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूसली देखेंगे स्टॉक में कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगा है, यहाँ पे एक भी जगह जो है यहाँ पे आपको अपर सर्किट ऐसा नहीं है जो खुला है, कंटिन्यूसली डेली अपर सर्किट लगते हुए स्टॉक ऊपर की साइड गया और अचानक से यहाँ पे जो है आपको लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। जिन्होंने भी आपको नीचे के लेवल पे पोजीशन बनाया था वो लोग यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट किए और यहाँ पे जो है अब रिटेलर्स को एग्जिट करने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई लेने वाला इस स्टॉक को नहीं है। और यही वजह है कि बहुत से रिटेलर्स जो है आपको परेशान है जो इस स्टॉक के साथ क्या किया जाए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा रहेगा, अगर आप यहाँ पे
टू टू थ्री टाइम्स या उससे ज्यादा के प्रॉफिट में है तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए आप यहाँ पे जो है अपना एक बार के लिए प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, क्योंकि ये आपको बहुत ही मैसिव रैली हुआ है। अगर 30-40% भी यहाँ से करेक्शन होता है तो एटलीस्ट जो है स्टॉक यहाँ पे आपको 6-7 रुपीज के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, और उस टाइम में फिर आप जो है इस स्टॉक को सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर जो है आपका इमोशनल साइकोलॉजिकल जो है आपका इमोशनली उस लेवल पे आपको एग्जिट नहीं करने देगा। तो इसलिए बेटर है अगर अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे इमीडिएटली जंप नहीं करें, क्योंकि काफी टाइम से स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा था, स्टॉक मिल नहीं रहा था और यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर जा रहा था। अब जैसे ही लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ है यहाँ पे जो है बहुत से लोग बाई करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे इमीडिएटली मत जंप कीजिए, यहाँ पे और नीचे आपको स्टॉक मिल सकता है, क्योंकि आप खुद सोचिए यहाँ पे 2-3 महीने में स्टॉक में इतना बड़ा मैसिव मूवमेंट हुआ है तो स्टॉक को रिट्रेसमेंट होना है, स्टॉक में रिट्रेसमेंट आना है और ये रिट्रेसमेंट आपको 6-7 रुपीज तक इजीली जा सकता है, क्योंकि एटलीस्ट अगर 30-40% भी यहाँ पे रिट्रेस होता है तो यहाँ पे 7-8 रुपीज तक जो है स्टॉक क्लियरली जा सकता है। तो इसलिए बेटर है जो आप यहाँ पे वेट कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकता है नीचे के लेवल पे एंट्री होने का, आपको यहाँ पे इमीडिएटली जंप नहीं करना चाहिए, आपको जो है यहाँ पे वेट करना चाहिए 6-7 रुपीज के अराउंड जो है आपको यहाँ पे एंट्री करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे जो है आप अगर आपके पास ऑलरेडी नीचे के लेवल से है तो आप यहाँ पे जरूर एक बार के लिए अपना कुछ पोर्शन में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जिससे कि आप लोग और नीचे आएगा तो ज़्यादा पैनिक में जो है कम प्रॉफिट में एग्जिट नहीं करेंगे। अभी जितना भी मिल रहा है उसमें से एटलीस्ट आपको 30-40% अपना पोजीशन जरूर स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। एंट्री के लिए, फ्रेश एंट्री के लिए अगर इस स्टॉक में आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा एक प्रॉपर वीडियो बना के। तो अगर आप लोग अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीज़ें इस स्टॉक के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।